हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो माय सेल्फ एस्केट अग्रवाल एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक टू अबाउट मैचुरल साइकिल मैचुरल साइकिल जो अपन कहें प्राइमेट्स की जो फीमेल्स हैं उनके अंदर एक एवरी मंथ होने वाली एक एक्टिविटी कह सकते हैं या पर अपना एक एक साइकिल कह सकते हैं सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जिसमें अलग अलग इवेंट्स या अलग अलग सीरीज़ के जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है और प्रत्येक जो मंथ है वो प्रत्येक मंथ में ये साइकिल एक कंप्लीट होता है जो प्राइमेट्स है जैसे मंकी है एप्स है या फिर अपन ह्यूमन बींग्स कहें उन सब के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है जिसे अपन हिंदी के अंदर अपन मासिक धर्म भी कहते हैं तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो यूज़ है वो क्या है कि मासिक धर्म जो है या फिर अपन मैचुरल साइकिल कहीं मैचुरल साइकिल है वो क्यों आता है या प्राइमेट्स में ही क्यों है तो इनका जो मेन रीज़न है वो है एग का फॉर्मेशन एग फॉर्मेशन होगा तो एग फॉर्मेशन जो है वो म्यूसिस डिविजन के कारण से होता है और एग का जो फॉर्मेशन होगा वो किस के थ्रू मंथ में एक बार रिलीज होता है वो होता है मैचुरल साइकिल के थ्रू जो फोर्टीन डेज है फोर्टीन डेज के दिन एग का रिलीज़ होना या ओव्यूलेशन बोलते हैं अपन जिसे ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेशन के दौरान एग बाहर निकलेगा जिसके कारण से वो या तो फर्टिलाइजेशन होगा उसका या फर्टिलाइज़ नहीं होगा फर्टिलाइज़ नहीं होगा तो जो मासिक चक्र है या नैचुरल जो साइकिल है वो कंप्लीट होगा तो ये जो अप्रोक्स है वो 28 से 35 डेज़ के बीच में कंप्लीट होता है अगर इन इन कंडीशन अगर वो फ़र्टिलाइज होता है एग तो उस टाइम पर नेचुरल साइकिल जो है वो बंद हो जाएगा और उस टाइम में जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लान्टसन होगा यूट्रस के अंदर जिसके कारण से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या फीटस का फॉर्मेशन किया जाएगा आज अपन टॉपिक लेके आए हैं जो नेचुरल साइकिल है वो सबसे सिम्पलेस्ट एक टॉपिक है ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स या काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर अपन कहीं आर्ट बैकग्राउंड से हैं या अदर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं जिनको इनके बारे में काफ़ी नॉलेज या नॉर्मल ट्रम्स भी नहीं है तो भी खास तौर से कोई भी ऐसी फीमेल्स हैं जो भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं या नो वैसे भी जरूरी है कि आज के कंडीशन में कि बेसिक नॉलेज है वो अपने को होना चाहिए क्योंकि ये जो कंडीशन है वो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड भी है और फैमिली प्लानिंग के मैं आपको लास्ट के बारे में बताऊंगा अभी कि कौन से डेज हैं वो सेफ़ है कौन से डेज जो हैं वो क्रिटिकल हैं या कौन से डेज में क्या कंडीशन है वो सभी अपन जो है वन डे से लेकर ट्वेंटी एट डे या थर्टी फाइव डे तक अपन वन बाय वन के बारे में डिस्कस करेंगी कंप्लीट साइकिल के बारे में लास्ट के अंदर इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं उनके जो हार्मोन का जो लेवल है अप डाउन इनके लेवल जो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन है ल्यूटलाइजिंग हारमोन है, है इसके अलावा जो एस्ट्रोजन है एलेक्ट्रोजन है इसके अलावा कोई जो प्रोजेस्ट्रोन है जितने भी जो हारमोन्स हैं उनका जो अप डाउन जो लेवल होता है ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन है प्लेसेंटेशन का फॉर्मेशन है इस प्रकार इन सभी एक्टिविटी को अपन एक साथ इसमें देखेंगे आज नेचुरल साइकिल जिसमें सी एस नेट के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और किसी भी प्रकार के जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स हैं नीट है उन सब में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हारमोन के एक्टिविटी से रिलेटेड तो आज अपन इसको स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल साइकिल जो है वो क्या है तो मेचुरल साइकिल अपन कहें जो प्राइमेट्स मेमल्स या फिर अपन कहें हैं जैसे ह्यूमन बींग्स है मंकी है इसके अलावा एप्स है इनके अंदर क्या देखने को मिलता है मेस्टरेशन साइकिल देखने को मिलता है तो इनमें अपन देखें अब बात करें अपनी इसकी कि है क्या मेस्टरेशन साइकिल क्या है तो अपन कहें कि मेस्टर साइकिल इज ए सीरीज ऑफ नेचुरल एक्टिविटी और इवेंट्स या नेचुरल एक्टिविटी इवेंट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड न या फिर अपन कहें फेलोपियन या ओवेरियन चेंजेज एक्टिविटी तो अपन किस क्या कह सकते हैं इसको कि मैचुरेशन साइकिल इज ए सीरीज और नेचुरल एक्टिविटी या इवेंट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस एक कंडीशन इसमें हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके अलावा यूटेरियन फेलोफियन ओवेरियन चेंजेस भी देखने को मिलते हैं क्यों तो, यूटेरियन जो है या अपन कहें यूट्रस जो है यूट्रस के अंदर एंड इसमें अपन यह भी कह सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेज तो दो कंडीशन आ गई हॉर्मोनल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ यूटेरिन फेलोफियन एंड ओवेरियन तो इस प्रकार से दो चेंजेस जो हार्मोन कंडीशन चेंज देखने को मिलती है या इनकी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलती है यूटरस के अंदर तो ये जो इवेंट्स हैं या ये जो साइकिल है इस प्रकार की जो सीरीज है इस सीरीज के इवेंट्स को ही अपन क्या कह रहे हैं मेस्चुरल साइकिल कह रहे हैं साइकिल का अगर ट्रम लगा रहा है तो सीधी सी बात है कि ये प्रत्येक बार क्या होती है रिपीट होती रहती है जैसे सेम अगर वन डे से चलती है ट्वेंटी एट डे तक चलती है तो सेम ट्वेंटी एट के बाद में वापस से वन डे आ जाएगा और वन डे से वापस से कंटिन्यू सेम घटना जो इवेंट्स हैं वो वापस से रिपीट रिपीट होती रहेगी तो ये जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है अपने को इसमें अपन बात करें अब अपन स्टार्टिंग की बात करें कि जो नेचुरल जो साइकिल है वो स्टार्ट कब होता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है प्यूबर्टी जो एज है या प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उसका जो इंडिकेशन है फीमेल के अंदर जो प्योवर्टी एज है उसका जो इंडिकेशन है उसे उसमें क्या स्टार्ट होता है मेच्युरल साइकिल स्टार्ट होता है जैसे अप, अपन मेनार्की कहते हैं तो मेनार्की अपन किसे कहेंगे जब एम ये मैंचुरेशन साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है उस ट्रम को अपन क्या कहते हैं मेनार की कहते हैं सेम ऐसी कंडीसी कंडीशन जिसके अंदर जो कम्प्लीट किसी भी फीमेल की एक एज हो उस एज के बाद में क्या होगा मैंचोरेसन जो साइकिल है वो क्या होगा बंद हो जाएगा या पोज हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एका फॉर्मेशन नहीं होगा या फिर ये जो साइकिल्स के जो इवेंट्स हैं वो इवेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे मेनोपोज दो ट्रम है एक मेनार्की और एक मेनोपोज जिसमें ऐसी एज जिसमें मेस्टोरेसन साइकिल इज स्टॉप इन फीमेल तो फीमेल के लास्ट ऐज जो है जिस एज के अंदर मेचोरेसन साइकिल क्या हो जाए बंद हो जाए क्लोज हो जाए उस इस उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे मेनोपोज कहेंगे और ऐसी कंडीशन जिसमें पिवटरी स्टार्ट होती है और जिसके अंदर मेचोरेसन साइकिल स्टार्ट होता है उसे मेनार्क, है, मेनार्क कहते हैं या फिर अपन मेनार्की कहते हैं दो टर्म है अब अपन देखें दूसरी कंडीशन कि फ़ीमेल के अंदर ये जो स्टार्ट है मेनार की सबसे पहले कब होती है तो वो डिपेंड करता है कि अलग अलग एज से स्टार्ट होती है लेकिन एक नेचुरल अपन कंडीशन देखें कि जो गेमिट फॉर्मेशन की अपन बात करें गेमिट फॉर्मेशन में अपने क्या होता है म्यूसिस डिवीजन स्टार्ट होता है और म्यूसिस से क्या बनता है ऊसिस्ट बनता है या प्राइमरी ऊसाइट बनता है तो ये जो प्राइमरी ऊसाइट है इस प्रकार म्यूसिस से जो बनता है ये स्टार्ट कब होता है फीमेल के अंदर अपन देखा जाए तो फीमेल के अंदर जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है उसी टाइम पे क्या होता है म्योसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जबकि मेल के अंदर देखें गेमिट का फॉर्मेशन काफ़ी लेट होता है लेकिन फीमेल के अंदर अपन ओ साइट की बात करें या फिर जो गेमिट फॉर्मेशन की बात करें वो बहुत अर्ली स्टेज के अंदर देखने को मिलता है एम्ब्रोनिक कंडीशन के अंदर ही होता है लेकिन होता क्या है कि जो प्राइमरी ओ साइट है उस पर आकर उसमें क्या लगता है पोज लग जाता है जो जैसे ही प्योरिटी स्टेज स्टार्ट होती है फीमेल की उस टाइम से वापस से इसमें डिविज़न होना या म्योसिस का डिवीज़न कम्पलीट कब होता है प्योरिटी स्टेज के अंदर कम्प्लीट होता है इसका मतलब स्टार्ट कब होता है एम्ब्रोनिक कंडीशन के अंदर होता है लेकिन कुछ साल के लिए उनमें क्या होता है स्टॉपेज तो लग जाता है या फिर बैरियर होता है एक पोज ट्रम होता है और यहाँ पे आके ये ट्रम वापस कंप्लीट होता है और म्यूजिस यहाँ कंप्लीट होता है कंप्लीट होने के बाद ये जो पहला पहली बार जो स्टार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं मेनार की बोलते हैं और इसमें गेमिट का फॉर्मेशन होता है या एग का फॉर्मेशन किया जाता है इसीलिए इनकी जो अपन ये कहें कि ये जो एज है मेनोपोज एज है फीमेल की वो कितनी होती है तो अपन कहें फोर्टी से फिफ्टी एज तक उनमें एग का फॉर्मेशन हो सकता है उसके बाद में धीरे धीरे एग का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो ये फोर्टी टू फिफ्टी एज के आसपास मेनोपेज की एज है वो मानी जाती है लेकिन मेल में जो गेमिट फॉर्मेशन जो स्टार्ट हुआ है वो क्या हुआ है लेट स्टार्ट हुआ है तो लेट स्टार्ट हुआ, तो हुआ है तो वो लेट तक ही प्रोसेस चलेगी तो इनकी जो एज है वो फीमेल की कंपेयर एग फॉर्मेशन करने की ज़्यादा होती है जैसे 55 या 60 के आसपास भी हो सकती है तो ये डिपेंड करता है अलग अलग क्योंकि इनमें अर्ली स्टेज में गेमिट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था इसमें गेमिट्स का फॉर्मेशन लेट स्टार्ट होता है यहाँ पर जो पबरिटी एज है वो अपन कह सकते हैं यहाँ पर एट ईयर से लेकर अपन थर्टीन जो एज है यहाँ पर जैसे अपन ऐट से लेकर थर्टीन एज है उसके आसपास में क्या होता है इसमें जो मेनार है वो स्टार्ट होती है तो ये अपना इसका एक इंट्रोडक्शन था और कितने डे का ये साइकिल होता है साइकिल जनरल कंडीशन के अंदर मैंने आपको बता भी दिया आपको ट्वेंटी एट से ट्वेंटी नाइन से थर्टी फाइव डेज का मानते हैं अपन और वैसे अप्रोक्स अगर इसका देखा जाए तो पूछा जाए कि साइकिल कितने का होता है तो 28 से 29 का होता है लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर किसी भी एबनॉर्मलिटी कंडीशन के कारण से भी या किसी भी हार्मोनल इंबैलेंस के कारण भी इनमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है तो मैक्सिमम जा सकती है थर्टी डेज तक तो ये इसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन है नेचुरल साइकिल का अब अपन देखें कि जो नेचुरल साइकिल जो है वो थ्री फेज में डिवाइड किया गया है कि तीन स्टेप इसमें ऐसे हैं जिनके अंदर ये इवेंट्स अपन शो करेंगे रिपीट वाई रिपीट वन बाय वन तो पहली जो स्टेज है वो फोलिकुलर स्टेज कह सकते हैं फॉलिकुलर फेज या फिर अपन प्रोलिफ फेज भी कह सकते हैं इसको proliferating phase फेज भी कह सकते हैं दूसरी कंडीशन अपन इसकी देखिए अपन तो यूटीएल या अपन इसको सिक्रेटरी फेज भी कह सकते हैं सिक्रेटरी फेज जिसमें हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है थर्ड फेज की अपन देखें तो यह जाएगा मेचुरल फेज या फिर अपन कह सकते हैं इसे ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हैं तो ये नेचुरल फेज या ब्लीडिंग फेज कह सकते हैं तो इस प्रकार से इसमें तीन इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं या तीन इवेंट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं जिनमें दोनों प्रकार के जो चेंजेज हैं वो देखने को मिलते हैं मैंने आपको जब इसकी डेफिनेशन बताई तब भी आपको बताया था इसमें दो प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं एक तो हार्मोनल चेंजेस और एक स्ट्रक्चरल इस चेंजेज इस्टचरल चेंजेज़ किस में होती है जो फोलिकल्स हैं ग्राफिन फोलिकल्स हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है इसके अलावा जो यूट्रस है यूट्रस के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है तो किस प्रकार के उन उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं और साथ साथ में जो अपने ये जो इवेंट्स हैं मैचुर साइकिल के इवेंट्स हैं वो तीनों फेज के साथ में कैसे कम्प्लीट होते हैं उसको वन बाई वन फेज के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं ये अपनी तीन फेज होगी सबसे पहले अपन फर्स्ट फेज को स्टार्ट करते हैं फोलिकुलर या पॉलीफ्रेटिंग फेज सबसे पहले अपन देखें कि ये कितनी लॉन्ग है या कितने डे की है तो सबसे पहले ये फोर्टीन डेज की अप्रोक्स इसको अपन मानते हैं क्योंकि 14 डेज़ जो आएगा उस 14 डेज़ को तो एग का एवोल्यूशन हो जाएगा या एग है वो रिलीज़ हो जाएगा तो वन से लेकर 14 डेज़ तक का जो साइकिल है वो कौन से स्टेज है फॉलिकुलर फेज है तो इसे अपन लिख सकते हैं वन टू 14 डेज़ भी कह सकते हैं इसके अलावा इसमें इवेंट्स कौन से कौन से इवेंट्स या एक्टिविटी होती है तो अपन इसके इवेंट्स के बारे में अपन देखें सबसे पहले जैसे ही फोलिकुलर या फिर अपन कहें अपन ये बात किसके कर रहे हैं अपन ओवरी के अंदर बातें कर रहे हैं कि ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल्स फोलिकल्स है उनका फॉर्मेशन किया जाता है ग्राफ फॉलिकल्स का जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उन स्टार्ट के लिए अपने को जो फोलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है फोलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो सबसे पहले पिटोट्री ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है उसके द्वारा क्या रिलीज किया जाएगा अपन एकदम सिस्टम से देखते हैं वन बाई वन कि फोलिकुलर स्टेज को अपन देख रहे हैं जिसमें ग्राफिन फोलिकल्स का फॉर्मेशन करना है ग्राफिन फोलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होगा वन डे से होगा किसके द्वारा होगा सबसे पहले प्युट्री ग्लैंड एंटेरियर पार्ट ऑफ सिक्रेट क्या करती है इसको सीक्रेट करता है फोलिकुलर स्ट्यमेटिंग हार्मोन को फोलिकुलर स्टमेटिंग जो हार्मोन है वो क्या करता है जो अपनी ओवरी है ओवे के अंदर जो ग्राफिन फोलिकल्स हैं उनके फॉर्मेशन को इंड्यूस करती है तो जो ये है एफ एस एच ये क्या करता है ग्राफियन फोलिकल को स्टिमुलेट करता है या उसके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है जैसे जैसे ग्राफियन फोलिकल्स बनती जाती है उसी के साथ साथ ये इंड्यूस करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसको भी क्या करता है ये इंड्यूस करता है तो सबसे पहले देखा अपने टूट्रिक ग्लैंड रिलीज एफएसएच ये एफएसएच किसके ऊपर वर्क किया follicles पर और फॉलिकल्स ने क्या रिलीज किया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है अब अपन नॉर्मल कंडीशन में देखें यूटिलाइजिंग हार्मोन यूटिलाइजिंग हार्मोन भी कहाँ से लिख किया जाएगा ये, ये किया जाएगा प्यूटरी ग्लैंड से लेकिन अब अप, अपन कहें कि ये एक्स स्टलेट जो है इससे पहले अपन कहें जो प्यटोट्री ग्लैंड के द्वारा प्राइमरी ग्राफियन फोलिकल जो बनी है जैसे अपन कहें प्राइमरी ग्राफियन फोलिकल्स बने हैं वो क्या रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन जो क्या है फीमेल का सेक्स हार्मोन है सेक्स हार्मोन है तो एफएसएस ने क्या किया है ग्राफिन फोलिकल की प्राइमरी ग्राफिन फोलिकल ये जो फोलिकल है उसका डेवलपमेंट किया है इन्होंने क्या रिलीज किया है एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज किया है जो क्या है सेक्स हार्मोन है एक फीमेल का इसके अलावा अपन कहीं एस्ट्रोजन है वो किसको इंड्यूस करता है साथ साथ लूटिलाइजिंग हॉर्मोन को इंड्यूस करता है क्यों किसके काम आएगा ये तो ग्राफिन फोलिकल के मेच्येशन के लिए काम आ रहे हैं उस साइट के डेवलपमेंट के लिए काम आ रहे हैं लेकिन ये एग के रिलीज करने के लिए यूज में आएगा तो इसको सिक्रेशन को क्या करता है ये बढ़ाता है तो ये रिलीज को बढ़ाएगा एस्ट्रोजन इसके अलावा अपन देखें जैसे जैसे यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता जाता है इसका मैंने बता भी दिया आपको इसका जो फॉर्मेशन है रिलीज कहाँ से होगा ये प्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पार्ट जो एफ है और एल एच है दोनों पिटूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से रिलीज होने वाले हॉर्मोन हैं सेक्स हॉर्मोन है इसके अलावा मतलब हॉर्मोन है इसके अलावा अपन कहें जो एस्ट्रोजन है इसको इंड्यूस कर रहे हैं और जो लूटिलाइजिंग जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है जो ग्राफिन फोलिकल्स है उनको ब्रेक डाउन उनको क्या करता है ये ब्रेकडाउन करता है या उनको तोड़ता है जिसके कारण से एग का क्या होगा, होगा. क्या रिलीज होगा और इनमें से क्या निकलेगा एग रिलीज होगा और एग जो रिलीज होगा वो किस किसमें एंटर करेगा एंटर करेगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर एस्ट्रेड्योल या एस्ट्रोजन जैसे अपने दो प्रकार के चेंजेस देखे थे एक हार्मोनल चेंजेस और एक देखे थे अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस इसी के साथ साथ में जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये किसको इंड्यूस करता है साथ साथ में यूट्रस जो है यूट्रस की जो वोल है यूट्रस वोल इसके अलावा फिलोपियन वॉल को क्या करता है थिकनेस बढ़ाता है थिकनेस को इंड्यूस करता है मतलब उसके मोटाई को क्या करता है ये बढ़ाता जाता है थिकनेस के साथ साथ उनके अंदर ब्लड वेसल्स को इंड्यूस करता है या ब्लड वेसल्स की संख्या को बढ़ाता है साथ साथ में ब्लड वेसल्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है और मोर कोइल्ड होती जाती है तो जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगा ब्लड की सप्लाई अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस की सप्लाई होगी उसी के साथ साथ इसमें जो अपन इनकी वॉल जो है जैसे अपन इसकी बात करें यूट्रस की इनर मोस्ट जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की लेयर को क्या करता है ये थिकनेस करता है थेक्नेस करता है एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर क्या करता है ब्लड वेसल्स को बढ़ाता है ब्लड वेसल्स को क्या करता है और अधिक कोइल्ड करता है इसके साथ साथ में एंडोमेट्रियम में जो न्यूट्रिशनल ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है जिसके कारण से जो अगर फिटस बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा उसकी जो फूड सप्लाई है उसको कौन प्रोवाइड कराएगा ब्लड वेसल्स के साथ साथ में इसमें जो ग्लैंड्स बनी है न्यूट्रिशनल ग्लैंड वो भी यूज में आती है तो ये इसके इस प्रकार के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो सब कौन करता है यहाँ पर एस्ट्रोजन है वो इसके इस प्रकार के स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है तो ये आ जाएगा अपना स्ट्रक्चरल चेंजेस फोलिकुलर फेज के अंदर अब अपन देखें आगे सेकेंड स्टेज की अपन बात करें अब ल्यूटियल फेज या ल्यूटियल फेज को ही अपन कह सकते हैं सेक्रेटरी फेज या आ जाएगा सेक्रेटरी फेज इसमें अपन ने एक कंडीशन देखी भी है जैसे ही ग्राफिन फोलिकल का क्या हुआ है ब्रेकडाउन हुआ है और उसे अपन ने क्या कहा है ओवुलेशन, जिससे क्या रिलीज हुआ है एग रिलीज हुआ है और एग रिलीज हुआ है यह कौन से डे को हुआ है फोर्टीन डेज को हुआ है अब अपन सेक्रेटरी फेज की बात कर रहे हैं तो जैसे ही एग रिलीज हुआ है एग किसमें एंटर करेगा एंटर फिलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा उसी के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं सीलिया प्रेजेंट होते हैं सीलिया में क्या होता है एस्ट्रोजन की प्रेजेंस के कारण से मूवमेंट होता है मूवमेंट होता है और मूवमेंट होने के कारण से जो एग है उस एग को यूट्रस की तरफ मूव किया जाता है तो जो फेलोपियन ट्यूब में जो एंटर किया है एग वो धीरे धीरे किधर जा रहा है यूटर्स की तरफ मूवमेंट करता जाता है ग्राफियन फोलिकल जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है ब्रेक हुई है या अपन कहें रप्चर हुई है रप्चर होने से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ ये जो स्ट्रक्चर है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होती है ब्रेक होने के बाद में तो उसे अपन कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक एक्ट एज ए ग्लैंड के रूप में वर्क करती है और कौन से कलर की होती है येलो कलर्ड एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम जो है एक ग्लैंड है ग्लैंड है तो सीधी सी बात है कोई ना कोई हार्मोन को सिक्रेट करेगी और कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन को सिक्रेट करती है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को सिक्रेट करता है उसी के साथ साथ में मैंने कहा भी था आपको कि जो अभी तक एक हॉर्मोन रिलीज हो रहा है एंटी जो पिटोटिक ग्लैंड से उसे अपन बोलते हैं एल एच हॉर्मोन एल एच हॉर्मोन इसके अलावा जो प्रोलेक्टिन है दोनों जो हार्मोन है वो किसको इंड्यूस कर रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेन को इंड्यूस कर रहे हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन को इंड्यूस कर रहे हैं जब तक ये मेंटेन करेंगे तब तक क्या होगा कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस रहेगा और कॉर्पस ल्यूटियम किसको रिलीज करते रहेगा प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन को रिलीज़ करता रहेगा प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन जैसे जैसे सिक्रिट होता है वैसे वैसे प्रोजेस्ट्रोन का जो वर्क है वो क्या होगा कि यूट्रस में इस प्रकार के चेंजेस आए कि यूट्रस जो है बनने वाले जायगोट को एक्सेप्ट कर सके या अटैचमेंट कर सके या इम्प्लांट कर सके तो इस प्रकार से एंडोमेट्रियम के अंदर ये क्या करेगा चेंजेस करेगा चेंजेस इन एंडोमेट्रियम प्रिपेयर एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा किसके लिए फोर जायगोट इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन या जायगोट के इम्प्लांटेशन को क्या करता है ये इंड्यूस करता है या अटैचमेंट को इंड्यूस करता है साथ साथ में प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है मेंटेन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को मेंटेन भी कौन करता है प्रोजेस्ट्रोन करता है लेकिन इसी के साथ साथ प्रोजेस्ट्रोन का फीडबैक देखें अपन यहां पे तीन चीजें अपने बता दी प्रोजेस्ट्रोन का चेंजेस इन एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम में चेंजेस क्या क्या होगा ब्लड वेसल्स का इंक्रीज और इसके अलावा एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है उसको अधिक करना वो काम आ जाएगा इसमें और प्रिपरेशन ऑफ इम्प्लांटेशन जायगोट का इम्प्लांटेशन करना और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी प्रेग्नेंसी को मेंटेन करना इसलिए इसे प्रेग्नेंसी हार्मोन के रूप में जाना जाता है प्रेग्नेंसी हार्मोन किसे कहते हैं तो प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं इसके अलावा प्रेग्नेंसी ये जो हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन ये क्या करता है इसके साथ साथ अपन नॉर्मल कंडीशन में कहें कि जो एफ एस एच है या एल एच है इनके लेवल को क्या करता है कम करता है प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है एफ और एल के लेवल को क्या करता है डाउन करता है इसी के साथ साथ जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कुछ मात्रा के अंदर कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन को भी क्या करता है मेंटेन करता है एस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है कुछ अमाउंट के अंदर लेकिन कॉर्पस ल्यूटिन का मेन फंक्शन को रिलीज करना है तो एस्ट्रोजन तो क्या करता है इंड्यूस तो करता है ल्यूटिलाइजन क्या करता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और वापस क्या करता है प्रोजेस्ट्रोन को बढ़ाता है लेकिन डायरेक्ट देखा जाए तो प्रोजेस्ट्रोन लेवल क्या करता है इन दोनों के हॉर्मोन को लेवल को कम करता है कम क्यों करता है कि प्राइमरी ग्राफिन फोलिकल्स ना बन सके क्यों प्रोजेस्ट्रॉन जब प्रेगनेंसी हो गई है प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है तो उस टाइम में नया एग बनने की फॉर्मेशन की जरूरत कहां है तो नए एग का फॉर्मेशन नहीं हो या ग्राफिन फोलिकल्स ना बने उसके लिए क्या करेगा एफएसएस और एलएच के लेवल को ये क्या कर देगा स्टॉप कर देगा से तो इनका रिलीज नहीं होगा तो इस प्रकार से ये कंडीशन आ जाएगी सेक्रेटरी फेज अब आ जाएगी थर्ड फेज थर्ड फेज अपन देखें तो आ जाएगी मैचुरल फेज या अपन इसे कह सकते हैं ब्लीडिंग फेज ये जो ब्लीडिंग फेज या अपन मेस्ट्रेशन फ़ेज जो है इससे पहले अपन ने जो देखी थी यूटिल फेज़ वो कितने टाइम की थी वो थी टेन डेज की सबसे पहली फेज थी अपनी फोर्टीन डेज की सेकेंड फेज थी टेन डेज की और थर्ड फेज है वो अपन देखें तो फोर टू सेवन डेज की मानते हैं जिसके अंदर क्या होता है नेचुरल या ब्लीडिंग फेज होती है ब्लीडिंग फेज कब होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ब्लीडिंग फेज नहीं होगी ये डिपेंड करती है दो कंडीशन पे। इफ फर्टिलाइजेशन आकर और इफ फर्टिलाइजेशन नोट आकर तो सबसे पहले अपन कंडीशन देखें फ फर्टिलाइजेशन नोट अगर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा तो उस कंडीशन में क्या होगी ब्लीडिंग होगी या उस कंडीशन में मेस्टोर साइकिल है वो कंप्लीट होगा और कंप्लीट होगा तो वो कौन से कितने टाइम लगेगा उसको चार से सेवन डेज नॉर्मल कंडीशन में फोर डेज होता है लेकिन जो हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण से वो सेवन डेज तक मैक्सिमम पहुंच सकता है तो इस कंडीशन में अपन क्या कहें जैसे सबसे पहले देखें अपन जायगोट फोन क्यों तो नहीं है क्योंकि तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा इंप्लांटेशन भी नहीं होगा नोट इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन जब नहीं हुआ है तो सीधी सी बात है कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम का कोई वर्क नहीं है क्यों कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है प्रोजेस्ट्रोन को रिलीज कर रहा था लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है जाइगोट नहीं बना है तो जो एग था या फिर अपन कहें सेकेंडरी ऊ था वो क्या हो जाएगा ऑटो लाइसिस उसका क्या हो जाएगा डिग्रेडेशन हो जाएगा जैसे उसका ऑटोलाइजेशन होगा वैसे वैसे आप नॉर्मल कंडीशन में कह भी रहे हैं कि जो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो प्रोजेस्ट्रोन रिलीज किया जा रहा है प्रोजेस्ट्रोन क्या कर रहा है अपन कहें एल के लेवल को और एफ के लेवल को कम कर रहा है तो प्रोजेस्ट्रोन का लेवल इसको कम कर रहा है तो ये जैसे ही लेवल कम होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन होने लगेगा क्योंकि इस हार्मोन की आवश्यकता नहीं है इम्प्लांटेशन हुआ नहीं है प्रोजेस्ट्रोन का वर्क बचा नहीं है इसलिए एल जो है प्रोजेस्ट्रोन इसको कम कर दिया और एलएच क्या करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को कम कर देगा और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करेगा दोनों कंडीशन ऐसी हो 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 गई कॉर्पस भी क्या गया गया ऑटोलाइसिस उसी के साथ साथ में जो एग या जो सेकेंडरी साइट है वो भी क्या हो गया हो गया दोनों का ऑटोलाइसिस होने के कारण से कॉर्पस ल्यूटियम भी नष्ट होने को आ रहा है और जो एग है वो भी नष्ट हो गया प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होते ही डिग्रेड एंडोमेट्रियम क्यों प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो किसके लेवल को मेंटेन कर रहा था एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन को उसके ब्लड वेसल्स को जिसके कारण से डिग्रेड होगा एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स और सब ये क्या हो जाएंगे रप्चर होंगी अगर ये रप्चर होंगे तो क्या होगा ब्लडिंग होगी और ब्लडिंग के अंदर क्या आएगा एक तो कॉर्पस ल्यूटियम के जो फ्रेगमेंट से टूटे हुए वो आएंगे उसके अलावा ब्लड वेसल्स आएगी एंडोमेट्रियम की लेयर्स आएगी उसके अलावा जो डिग्रेड सेकेंडरी ओसाइट है वो आएगा ये सभी किसके थ्रू निकलेगी ब्लीडिंग के थ्रू और जो ब्लीडिंग है वो किसके थ्रू होगी सेरिवेक्स और वेजाइनल वेजाइनल पोर के द्वारा ये क्या होगी आउट या ब्लीडिंग हो जाएगी तो ब्लीडिंग जो है वो कब होगी सेवन से फोर डेज के बीच में और ब्लीडिंग होगी तो उस टाइम पे जो प्रोजे इसका प्रोजेस्ट्रोन का लेवल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मतलब ब्लीडिंग हो रही है मतलब प्रोजेस्ट्रोन कम हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम टूट गया जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम टूटा है प्रोजेस्ट्रोन लेवल कम हुआ है तो किसका लेवल बढ़ने लगेगा इसका लेवल अपन कहें कम हो गया तो किसका लेवल बढ़ेगा सबसे पहले तो लेवल बढ़ेगा एफ एस एस का जिसके कारण से वापस से रिसाइकिलिंग स्टार्ट होगी और ग्राफिन फोलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो ये जो डे डे था वो डे कौन सा था ट्वेंटी एट या ट्वेंटी नाइन डे था इसके बाद में प्रोजेस्टों का लेवल डाउन हो गया कंप्लीट एफ का लेवल स्टार्ट हो गया तो इसके बाद में कौन सा डे आ जाएगा फर्स्ट डे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ये तो यह ब्लीडिंग अपनी कंप्लीट हो गई तो ब्लीडिंग कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर मेस्ट्रेशन साइकिल कंप्लीट होता है अब अपन मेच्यूरेशन साइकिल के, के बारे में अपन देखें दूसरी कंडीशन में कि फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए दूसरी कंडीशन कौन सी इफ फर्टिलाइजेशन अकर जैसे अगर दूसरी कंडीशन देखें फर्टिलाइजेशन अगर, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा जायोट फॉर्मड जायगोट का फॉर्मेशन होगा जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो उसका क्या होगा इम्प्लांटेशन होगा कहाँ पे? यूट्रस की एंडोमेट्रियम में यूट्रस की एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होगा किसकी प्रेजेंस में प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इसका मतलब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की प्रेजेंस में यूट्रस में जाइकोड का क्या हो गया इम्प्लांटेशन हो गया और प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज कौन कर रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम का जो काम है प्रोजेस्ट्रोन को इंक्रीज करना और कॉर्पस ल्यूटियम के साथ साथ में प्रोजेस्ट्रोन के साथ में क्या रिलीज करा वो एस्ट्रोजन को भी रिलीज कर रहा है लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन कर रहा है इंप्लांटेशन या फिर अपन कहें प्रेगनेंसी मेंटेन प्रेगनेंसी भी मेंटेन करेगा कौन करेगा प्रोजेस्ट्रॉन करेगा अब अपन बात करें कॉर्पस ल्यूटियम की कितने दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगी तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है अपन कहें 16 वीक 16 वीक तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम के बाद में इसका जो वर्क है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेक्ट को रिलीज कर रहा है उसके साथ में ही प्रेगनेंसी जैसे मेंटेनेंस होती है तो अपन यूं कहें जैसे ये एंडोमेट्रियम है यूट्रस है एंडोमेट्रियम है यहाँ पर जाइगोट की बात करें अपन एम्ब्रियो है इन दोनों की जो वॉल है ये क्या हो जाएगी मिक्स हो जाएगी और जो एम्ब्रियो की जो वॉल है उसे अपन बोलते हैं प्रोपोब्लास्ट प्रोपोब्लास्ट किसके साथ में मिक्स हो जाएगी एंडोमेट्रियम के साथ और यहाँ से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा दोनों के मिलने से उसे बोलेंगे अपन प्लेसेंटा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कहाँ से होगा ट्रोपोब्लास्ट सेल एम्ब्रियो की और एंडोमेट्रियम जो सेल्स से है वो यूट्रस की जैसे ही अटैचमेंट होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रोन उनके कारण से उसमें क्या होगा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और आगे जाके न्यूट्रिशन का काम कौन करेगा प्लेसेंटा इससे पहले प्लेस न्यूट्रेशन का काम और अपने कह प्रेगनेंसी मेंटेन का काम कौन रहा था प्रोजेस्ट्रोन कर रहा था अब कौन करेगा प्लेसेंटा करेगा जिसके कारण से कॉर्पस ल्यूटियम इसके बाद में क्या हो जाएगी रप्चर हो जाएगी या डिग्रेड हो जाएगी और उसका पूरा वर्क किसके पास आ जाएगा प्लेसेंटा के पास और प्लेसेंटा रिलीज करेगा प्रोजेस्ट्रोन जो क्या करता है प्रेग्नेंसी को मेंटेन करता है तो ये आगे आप प्रदूषण को मेंटेन करेगा जैसे ही कोई भी फीमेल जिसका अपन यूं कहें कि जो मेस्टर साइकिल है वो क्या हो गया क्लोज हो गया किसी मंथ ब्लीडिंग नहीं हुई है तो उसका मतलब अपन क्या कहते हैं कि वो सीज प्रेग्नेंट प्रेग्नेंसी का इंडिकेशन है स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग ब्लीडिंग का जैसे स्टॉप होता है उसका मतलब इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो अपन प्लेसेंटा जैसे ही बनता है तो प्लेसेंटा सबसे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज करता है तो अपन उसे अपन कहें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन को रिलीज किया है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडो हॉर्मोन रिलीज करेगा और इसी प्लेसेंटा के थ्रू या फिर अपन कोई भी जो फीमेल है जिसको अपन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहते हैं तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं किट के द्वारा उसमें कौन से हार्मोन की प्रेजेंस देखते हैं अपन तो यूरिन के अंदर यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की क्या देखते हैं प्रजेंस को देखते हैं अगर प्रजेंस है इसका मतलब प्लेसेंटा बन चुका है प्लेसेंटा बन चुका है तभी ये हार्मोन की प्रजेंस आई है किसके अंदर यूरिन के अंदर और यदि ये हार्मोन है इसका मतलब सीज प्रेगनेंट और यदि ये नहीं है तो प्रेग्नेंट नहीं होगा तो सेम अगर ऐसी कंडीशन है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन नहीं आएगा क्यों तो प्रेगनेंसी को लेवल को कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिग्रेड हो भी गई तो उसके बाद में कौन आ जाएगा प्लिस आ जाएगा ये एक टेजे ग्लैंड के रूप में वर्क करती है और ये क्या रिलीज करेगा प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन को रिलीज करता है और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है इस प्रकार से प्रेगनेंसी को आगे मेंटेन किया जाएगा तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं तीन स्टेज के अंदर कन्वर्ट की जाती है प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का लेवल कब डाउन आएगा जैसे ही अपन कहें डिलीवरी की कंडीशन आएगी तो डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा क्या होगा ब्रेक होगा और ब्रेक होते ही प्रोजेस्ट्रोन का लेवल क्या हो जाएगा डाउन आएगा और डाउन आते ही मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब कह सकते हैं अपन कि जो मिल्क का सिक्रेशन है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों नहीं होता है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन क्या है मिल्क के सिक्रेशन को रोक रखा है मिल्क के सिक्रेशन को कौन रोकता है प्रोजेस्ट्रॉन रोकता है जैसे ही डिलीवरी होती है प्रोसेस का लेवल डाउन आता है डाउन आते ही मिल का सिक्रेशन स्टार्ट होता है और प्रोजेक्शन का लेवल जैसे ही डाउन आता है तो एफ एस एच और एल एच का डाउन जो लेवल है वो बढ़ने लगता है और नया जो साइकिल है या जो नया मेस्ट्रेशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है तो ये दोनों कंडीशन आ गई अब अपन इसे साइकिल के रूप में देखें जैसे कि नॉर्मल कंडीशन देखें वन डे फोर्टीन डे टेन डे फाइव डे यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी डे सेवेंटी डेज और यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी एट से ट्वेंटी नाइन डेज तो ये एक अपना टोटल जो कंप्लीट पीरियोडिक जो कंडीशन है या मेचोरेशन साइकिल है उसके टोटल डे हैं वन से ट्वेंटी एट या ट्वेंटी नाइन डेज इसमें सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें वन डेज से टेन डेज के आसपास तो इसके आसपास में क्या होगा वैसे देखा जाए तो ग्राफिन फोलिकल का फॉर्मेशन होगा या इसे इस स्टेज को अपन क्या बोल सकते हैं प्रोलिफ्रेटिंग फेज भी कह सकते हैं और ये जो फेज है वो कौन सी फेज होगी सिक्रेटरी फेज होगी और ये जो फेज है यहां से अपन देखें ब्रीडिंग फेज कह सकते हैं अपन इसको ये ब्रीडिंग फेज आएगी सिक्रेटरी फेज और ये जो फोर्टीन डे है इस पर यहाँ पर क्या होगा पॉबुलेशन होगा इसका मतलब यहाँ से लेकर वन डे से लेकर अपन यूँ कहें सेफ पीरियड कब तक है वन डे से लेकर टेन डे तक कैसा है सेफ़ पीरियड है इन रेफरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कि इस टाइम पर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यहाँ पर आप सेफ पीरियड में रह सकते हैं वन से लेकर टेन डेज़ तक लेकिन टेन डेज से अपन देखें फोर्टीन डेज तक भी ओवल का फॉर्मेशन नहीं हुआ मतलब एग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हैं कम है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी क्या हैं कम है क्योंकि यहां पर ओवलेशन होगा लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि एक दो तीन दिन पहले भी सिक्रेशन हो सकता है तो ये एकदम कंप्लीट सेफ पीरियड नहीं मान सकते अपन इसी के साथ साथ अपन यहां देखें कि फोर्टीन से लेकर इतनी डे के बीच में एग क्या रहता है सर्वाइव करता है एग सर्वाइवल एग यहां तक सर्वाइव करता है उसके साथ में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं क्योंकि अभी रिलीज हुआ है और यहां तक सर्वाइव कर सकता है चार से पांच दिन के आसपास और कभी कभी अगर वो लेट सिक्रिट हुआ है तो यहां तक भी वो क्या कर सकता है सर्वाइव कर सकता है फोर्टीन से लेकर बीस तक भी तो इस ये जो पीरियड है इस पीरियड को अपन सेफ पीरियड नहीं कह सकते यहां पर अपन कहेंगे क्रिटिकल पीरियड इस टाइम में मैक्सिमम चांसेस में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं कौन से डेज के लिए टेन डेज से लेकर सेवनटीन डेज तक मैक्सिमम चांसेस फर्टिलाइजेशन के रहते हैं तो इसे अपन बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड और यहाँ से वापस अपन देखें ये जो चीज़ है यहाँ से वापस अपन इसे कहेंगे सेफ पीरियड कह सकते हैं या फिर इसी इस कंडीशन को अपन कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की तो ये कंडीशन कौन सी आ जाएगी ब्लीडिंग कंडीशन आ जाएगी तो यहाँ पर अपन दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं सेफ पीरियड और एक क्रिटिकल पीरियड तो जो भी फीमेल्स हैं जो किसी साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो वो भी नॉर्मल कंडीशन में फैमिली प्लानिंग अपन करते हैं तो उसमें इतना नॉलेज ज़रूरी है कि कौन से कौन से पीरियड से कौन से डेज के अंदर आप सेफ हो कि नहीं होगी या कौन सी डे हैं वो ऐसे हैं जो क्रिटिकली हैं जिनके अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे अधिक होते हैं तो आप देखोगे वन से लेकर टेन डेज तक एकदम सेफ पीरियड होता है इसमें किसी प्रकार के प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं लेकिन जैसे ही आप टेन डेज़ के आसपास आते हो यहाँ से लेकर आप सेवेंटीन तक या ट्वेंटी तक एकदम आप रिस्क पीरियड में रहते हो और इस टाइम में आप प्रेगनेंट हो सकते हो तो यहाँ पीरियड में आप प्रेगनेंसी के लिए आप जो भी अवॉइड मेथड हैं जो प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो आप यूज में ले सकते हो इतने डेज के बीच के अंदर तो ये अपना इसका चक्र है साइकिल लास्ट अपन देखें हार्मोनल चेंजेस और देखें अपन या स्ट्रक्चरल चेंजेस हार्मोनल चेंजेस तो देख लिया यहां से अपन वन डे से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आते आते फोर्टीन डेज और यहाँ पर क्या होगा ओविलेशन होगा और फोर्टीन डेज के बाद में यहाँ पर कौन सा आएगा ट्वेंटी एट से ट्वेंटी नाइन और यहाँ पर कौन सा आएगा वन डे यहाँ से वापस साइकिल स्टार्ट होगा यहाँ पर अपन देखें इनकी जो एक्टिविटी है एक्टिविटी किसकी हार्मोन और स्ट्रक्चरल चेंजेस सभी साथ, साथ अपन देखते हैं जैसे अपन एक कंडीशन देखें सबसे पहले अपन एक फोर्टीन डेज का अपन इसको एक सीधा स्ट्रेट बना लेते हैं ये एक फोर्टीन डेज की लाइन है सबसे पहले अपन देखें सबसे पहले लेवल किसका बढ़ा हुआ है ये कंडीशन अपन देखें तो ये किसकी आ जाएगी ये स्ट्रक्चर आ जाएगी एफ एस एच फॉलिकुलर स्टलेटिंग हॉर्मोन की इसी के साथ साथ अपन दूसरी स्ट्रक्चर देखें ये स्ट्रक्चर जो है वो किसकी आ जाएगी लूटिलाइजिंग हार्मोन की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है क्योंकि लूटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो कब बढ़ता है जैसे ही फोर्टीन डेज होता है तो लूटिलाइजिंग हार्मोन बढ़ता है जिसके कारण से क्या होता है ओवलेशन देखने को मिलता है तो यहाँ पर लेवल पे बढ़ता है ओवलेशन के साथ साथ अपन दूसरी स्ट्रक्चर देखें इन्हीं स्ट्रक्चर के साथ साथ अपन देखें कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले एफ का लेवल बढ़ा है तो जो ग्राफिन फोलिकल्स है ग्राफिन फोलिकल्स का फॉर्मेशन क्या होगा स्टार्ट होगा ग्राफिन फोलिकल का लेवल जो है वो क्या होगा इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा तो इसके साथ साथ में सेकेंडरी ऊ साइट है उसका भी साइज़ बढ़ती जाएगी और इसके साथ साथ में किसका लेवल बढ़ रहा है अभी यहाँ पर अपन कहें एफ का लेवल बढ़ा तो इसी के साथ साथ में यहाँ पर एकदम अपन कम ना करके इसको अपन कह सकते हैं जैसे यहाँ कह सकते हैं तो इसका लेवल इसकी साइज़ जो ग्राफिन फोलिकल की वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इसी के साथ साथ यहाँ पर एग भी क्या होता है मेच्योर होता है और ये क्या हो जाएगी ग्राफिन फोलिकल और फोर्टीन डेज पे आते ही किसका लेवल बढ़ता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है और ल्यूटिलाइजिंग का हार्मोन का लेवल बढ़ते ही ग्राफिन फोलिकल क्या हो जाएगी रक्चर हो जाएगी इस प्रकार से और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल जैसे रप अधिक होगा तो यहाँ से ये ब्रेक होगी और ब्रेक होते ही यहाँ से एग क्या होगा रिलीज होगा और उसी को क्या कहेंगे अपन ओव्यूलेशन कहते हैं कौन से स्ट्रक्चर है ये ग्राफियन फोलिकल है ग्राफियन फोलिकल जो है अब आगे जाके किसमें कर्मठ होगी ये एक ग्लैंड के रूप में एक स्ट्रक्चर के रूप में फॉर्मेशन किया जाएगा जैसे अपन कहें इस प्रकार से एक येलो कलर की एक स्ट्रक्चर बनाई गए जिसे अपन कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मेंटेन होगी कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंटेन नहीं होगी और आगे चलकर ये धीरे धीरे क्या होगी धीरे धीरे डिग्रेड होगी इस प्रकार से ये डिग्रेड हो जाएगी सेम उसी प्रकार से अगर अपन हार्मोन का लेवल देखें अब किसका प्रोजेस्ट्रोन का और एस्ट्रोजन का जैसे सबसे पहले अपन एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल देखें इस प्रकार से ये एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल है जो बढ़ रहा है उसी के साथ साथ यहाँ पर अपन देखें ये जो कंडीशन है क्योंकि तो जैसे ही ग्राफिन फोलिकल बनी है तो कौन सी हार्मोन का सिक्रेशन होगा प्रोजेस्ट्रोन का तो ये रेड वाला जो है वो क्या हो जाएगा प्रोजेस्ट्रोन और ये आ जाएगा एस्ट्रोजन जिसका लेवल पहले से क्या है ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर ग्राफिन फोलिकर कॉर्पस ल्यूटियम बनती है कॉर्पस ल्यूटियम बनती है प्रोजेस्ट्रोन का लेवल क्या होता है बढ़ता है लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो प्रोजेस्ट्रोन का लेवल डाउन आ जाता है दोनों हार्मोन का लेवल डाउन आ जाता है और वन डे से एलर्ज का लेवल वापस से बढ़ जाता है इसी प्रकार से अगर अपन आगे देखें तो जो एंडोमेट्रियम की अपन लेयर देखें कि एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस होता है जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर है यहां पर देखें इस प्रकार के स्ट्रक्चर तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा कि ये क्या है एंडोमेट्रियम है एंडोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स क्या होती है अधिक सप्लाई रहती है ये इसकी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड वेसल्स की कोइलिंग रहती है और यहां पर ब्लड वेसल्स क्या होती है रप्चर हो जाती है या टूट जाती है और यहां पर ब्लडिंग के थ्रू ये बाहर निकल जाती है इसी के साथ में ये एंडोमेट्रियम जो है वो क्या करती है न्यूट्रेशन का वर्क भी करती है जिसमें काफ़ी अधिक न्यूट्रेशन देखने को मिलता है प्रकार से ये जो है एंडोमेट्रियम का ग्राफ है कि स्टार्टिंग में एंडोमेट्रियम की लेयर थिकनेस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जैसे ही यहाँ पर इम्प्लान्टसन होने की कंडीशन आती है एग रिलीज़ हुआ है तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेज है कि यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एंडोमेट्रियम लेयर क्या करेगी इम्प्लानसन के लिए यूज आएगी यहाँ कंडीशन पर लेकिन अगर यहाँ पर इम्प्लान्टसन नहीं होता है तो धीरे धीरे इसका लेवल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यहाँ पर आकर ये डिग्रेड हो जाएगी इस प्रकार से ये क्या है अपना एक मेच्योरेशन साइकिल का एक ग्राफ है जिसमें चारों हार्मोन और दोनों जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आपने बताए थे डेफिनेशन के अंदर भी मैंने आपको कि इस प्रकार का साइकिल हो जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता हो तो उसे अपन क्या कहते हैं मेस्रेशन साइकिल कहते हैं तो इस प्रकार से अपना मेच्योरेशन साइकिल है वो कंप्लीट होता है तो जो भी इस प्रकार का जो नॉलेज है बेसिक वो हार्मोन के ग्राफ से रिलेटेड है काफ़ी एग्जाम्स के अंदर जो एग्जाम एसिसर नेट है या अपन नेट के एग्जाम की बात करें या कोई भी अदर कोई भी बात करें पीएचडी से एंट्रेंस की या जुलोजी से रिलेटेड जितनी भी कोई भी सब्जेक्ट से हैं तो उसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं या बेसिक नॉलेज के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए अपने मेस्टेशन साइकिल है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी को रिक्वायरमेंट है तो आशा करता हूँ सभी को पसंद आएगा किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स